क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि ट्रू फॉल्स है, यहाँ हमें सेंटेंसेस पढ़ने हैं, उनके आगे हमें ट्रू और फॉल्स लिखते जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट वन, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड क्या है? ये एक एसिड है, और एसिड क्या करता है? ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? रेड लिटमस ब्लू, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम फॉल्स पे टिक लगा देंगे। सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और बेस ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होता है, ब्लू लिटमस वैसे ही रहता है, बल्कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे। आ जाते हैं नंबर थ्री पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रिएस्ट पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। उस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर ये दोनों ही रिलीज होते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये ट्रू है। तो हम यहाँ पर टी लिख देंगे। आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इंडिकेटर क्या करता है? एसिड में कोई अलग कलर देता है, और बेस में, बेस के साथ कुछ अलग कलर देता है, जिससे हम पहचान पाते हैं कि दिया हुआ जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर हम टी लिख देंगे। नंबर फाइव, टू डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूट डीके क्यों होता है? क्योंकि जब भी मीठी चीज हम खाते हैं तो बाद में क्या होता है? वहां पे एसिड फॉर्म होता है, और एसिड फॉर्म होने की वजह से ही टूट डीके होता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पे दिया है बेस। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर एट, एक्सप्लेन व्हाई। ये इस क्वेश्चन नंबर एट में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं उससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला, ए एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं। क्यों लेते हैं? इससे हमें क्या फायदे होते हैं? एसिडिटी तब होती है कि जब हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड फॉर्म होता है, हमारे स्टमक में HCl का फॉर्मेशन होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। बट कभी कभी ये एसिड ज्यादा हो जाता है तो उससे हमें स्टमक में पेन होने लगता है, प्रॉब्लम होती है। तो उस समय हम क्या करते हैं? इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस को लेते हैं एज अ मेडिसिन। तो हम एंटासिड जो लेते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एक बेस है, और ये बेस क्या करता है? एसिड, जो एक्सेसिव एसिड हो गया हमारे पेट में, उसको न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है, और इससे हमें रिलीफ मिलता है। तो इसीलिए हम एंटासिड लेते हैं। इसका हम लिखेंगे, एक्सप्लेन क्या करेंगे? द एक्सेस सिंथेसिस ऑफ एसिड्स इन आवर स्टमक कॉज एसिडिटी। एंटासिड कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड एंड गिव रिलीफ। आ जाते हैं बी पॉइंट पर, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। जब भी एंट बाइट करती है तो हमें जो इरिटेशन होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? कैलामाइन सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? यहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि जब भी एंट बाइट करती है तो वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, और यहाँ पे एसिड की वजह से हमें इरिटेशन होता है, पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम यहाँ पे एक बेस को यूज करते हैं, जिंक कार्बोनेट। ये होता है कैलामाइन में जिंक कार्बोनेट, जो कि एक बेस है, और ये क्या करता है? जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं उस जगह पर, ये क्या करता है? एसिड, फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है, इससे हमें रिलीफ मिल जाता है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जिंक कार्बोनेट अ बेसिक प्रेजेंट इन कैलामाइन सॉल्यूशन व्हिच न्यूट्रलाइजेस द एसिड इफेक्ट ऑफ एंट बाइट। सी, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्री से जितना भी वेस्ट निकलता है वो रिवर में या पॉन्ड में या सी में पहुंचने से पहले ही उसे न्यूट्रलाइज किया कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वेस्ट होता है फैक्ट्री वाला, उसमें बहुत ज्यादा एसिड होते हैं, और ये एसिड अगर मिल जाएगा
वाटर रिसोर्सेज में, तो क्या होगा, हमारे जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे मर जाएंगे। इसलिए उनको इस वाटर रिसोर्स में पहुंचने से पहले ही उस वेस्ट को बेस डाल करके, कोई भी बेसिक सब्सटेंस डाल करके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो यहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे, फैक्ट्री वेस्ट कंटेंट्स एसिड्स, इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल ऑल द वाटर एनिमल्स, सो द फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस।